जीआईटी के स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और एमएस एक्सेस इस क्लास में आज हम अगली टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है मैक टेबल क्वेरी। यानी एक टेबल बनाए और टेबल बनाने के बाद उसमें क्वेरी करें, ऐसा। ठीक है, तो पहले तीन नोट कर लीजिए आपने स्टेटस तक, फिर हम आगे पढ़ें। तो अगर यहाँ तक नोट कर लिया आपने तो बिना हिचक बिना कुछ किए सबसे पहले हम टेबल बना लेते हैं। ठीक है, सेम टू सेम ऐसा ही जैसा उसने कहा। तो विंडो आर और क्या एमएस एक्सेस, और हमें खाली करेंगे। हो गया, और कहाँ है ये, क्रिएट पे टेबल पे व्यू चेंज कर लेंगे, डिजाइन व्यू में आ जाएंगे। टेबल वन रखना है, क्या रख दिया जाए इस टेबल के अंदर? हाँ, क्वेरी टेबल है, क्वेरी होगा तब ना लिखा जाएगा। अभी हम क्या लिख दें, ऐसे लिख दें स्टूडेंट डाटा, क्या लिख दें स्टूडेंट, अरे यार बस बना के ओके कर दिए। और यहाँ क्या कर दिए, रोल नंबर का था ना, रोल नंबर, और यहाँ भी क्या ले लेंगे नंबर। इसके बाद स्टडी नेम शॉर्ट टेक्स्ट, उसके बाद एड्रेस, उसके बाद स्टेटस। शॉर्ट टेक्स्ट बस इतना ही करना है ना, उसको कर लिए सेव। और व्यू चेंज कर लिए, और चेंज करने के बाद बताइए आदर्श 4895 नाम आदर्श और एड्रेस PDR, स्टेटस में फेल हो गए। नेक्स्ट 49 35 नाम महेश्वर, एड्रेस TDH और पास हो गए। मतलब दो ही स्टेटस हम यूज कर रहे हैं यहाँ, स्टेटस का मतलब पास फेल से, तो किसी को पास किसी को फेल ऐसा करना पड़ेगा, मजबूरी है ना, तो इसको इंटेंशनली नहीं लेंगे आप। हाँ जी बताइए अपना 49 34 कैसे मुकेश आप DDH कैसे आप पास। नेक्स्ट पीछे हाँ 48 80 हसनैन, YSNAIN सही है वो, हसनैन। एड्रेस क्या है? हाँ बीबीजेड 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 PBZ और एड यहाँ लिख दिया, अरे यार दबा रह जा रहा है, टैब बटन दिक्कत हो गई है, बताओ वो 49 49 19 विशाल मिथिलेश, मिथिलेश अच्छा PDR, और तुम्हारी स्टेटस तो पहले ही लिख दिया है YSNAIN। हाँ तो 49 ये लगातार है, नहीं क्या नाम है, विशाल, विशाल है तो भाई। एड्रेस SPZ पास हो, चाहते तो पास फेल का आप ड्रॉप डाउन लिस्ट भी बना सकते थे, है ना, याद है ना, अच्छा लेकिन वो सब करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। और 48 44 नाम दिलीप है क्या, दिलीप है तो भाई पास करना पड़ेगा। एड्रेस ठीक PP, क्या PP, अच्छा PP पत्रकार पोपटलाल, पास कर दिए।
लड़कियों में सुनी नहीं है क्या? उसका क्या था रिलेशन नंबर है? अच्छा, दिमाग है इस लड़की के पास, इसको फिल कर दिया जाता। सोनी शिशु वाली ISSW और फेल। तुम्हारा क्या है? 485। पूजा एड्रेस? RP पास। और लास्ट 4846। प्रीति और एड्रेस? हाँ, डिस्चार्ज। कौन हाँ, कौन है? विपुल है भी है क्या? तो बेचारा कहाँ छूट गया था वो, पचास बताओ। विपुल रजिस्टर नंबर 62। 50-62। तुम बहुत लेट आ रहे हो आजकल, ये तो दबा रह जा रहा है, पता नहीं क्यों, क्यूबिट इतना टाइट हो गया है कि कोई भी बटन दबा रह जा रहा है, ठीक है ना? कोई भी चीज दबा रह जा रहा है। विपुल एड्रेस KBK तो फेल हो गया, लेट आया है ना? और उसको क्या कर दिया हमने? सेव कर दिया। सेव हो गया, सेव करने के बाद इसको कर देंगे क्लोज। अब इसी के बिया पे हमें काम करना है मेक अ टेबल क्वेरी। मेक अ टेबल क्वेरी का मतलब कि उस टेबल से हम कोई क्वेरी करके निकाल दें। जैसे मैंने, हम कह रहे कि सारा सारा पास, मतलब तुम काम कर रहे हो यहाँ पे, मैं तुमको ये दे रहा हूँ इंस्ट्रक्शन, ये काम करो, पास वाले को सारा डाटा अलग कर दो, फेल वालों का सब अलग कर दो। तो क्या करना पड़ा है? मेक करना पड़ रहा है, बनाना पड़ेगा ना। अगर एक डाटा पूरा लिखा हुआ है उसमें, अगर पास वाला को अलग कर दो, फेल वाला करो, तो एक टेबल बनाओगे ना, तो मेक ए टेबल करोगे ना, तो वही काम यहाँ पे करना है, मेक अ टेबल क्वेरी। और ये चीज करने के लिए आपको स्टेप फॉलो करना होगा कि क्रिएट डाटाबेस में आना है, क्रिएट मेन्यू में टेबल डिजाइन करना है, टाइप एनीथिंग, सेव एंड गिव नेम। तो क्रिएट मेनू में टेबल डिजाइन पे जाना है, मतलब क्रिएट में जाके टेबल पे नहीं जाना है, टेबल डिजाइन पे जाना है। और यहाँ मांगेगा कुछ भी लिख दीजिएगा, यहाँ पे कुछ भी ABC XYZ कुछ भी लिखे, क्या करिए इसको टैब दबा के इसको सेव कर लीजिए। क्या कर लीजिए? सेव कर लीजिए। मुझे किस नाम से सेव करना है, तो यहाँ सेव कर दीजिए किस नाम से, पास नाम। और क्या कर दीजिएगा? ओके कर दीजिए और यस कर देंगे और बंद कर दीजिए। हो गया ना? हाँ, फिर से जाइएगा क्रिएट पे, किस पे? टेबल डिजाइन पे कुछ भी लिख दीजिएगा, यहाँ पे कुछ भी ABC टैब दबाइएगा और उसको क्या कर दीजिएगा? सेव कर दीजिएगा किस नाम से, फेल का। क्या करिएगा? ओके करिएगा, प्राइमरी की पूछेगा, प्राइमरी की रहना चाहिए ना? हाँ रहना चाहिए। ओके और क्लोज कर दीजिएगा। दो डाटा बन गया, फेल और पास नाम से देखो तो। हाँ, ओपन करो इसको, क्यों कुछ आ रहा है? हाँ, इसको ओपन कर दो, आ रहा है? नहीं आ रहा है ना। अब आपको आगे काम करना है, तो वही यहाँ पे हिंट कहा है कि पहले आपको क्रिएट मेन्यू में जाना था, टेबल डिजाइन में, टाइप कुछ भी है नहीं, ठीक, सेव गिव नेम अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ, पास फेल जो भी होगा, ठीक है। और क्रिएट करना है, मेन्यू में जाना है, क्वेरी डिजाइन में जाना है, क्रिएट मेन्यू में, क्वेरी डिजाइन पे, और टेबल को सिलेक्ट कर लेना है। देखो क्या लिखा हुआ है, डिजाइन सिलेक्ट टेबल, ऐड करना है, क्लोज करना है। टेबल को सिलेक्ट, कौन सा टेबल है हम लोग का? हिस्ट्री डाटा नाम से ना, ऐड करना है और उसको क्या कर देंगे? क्लोज कर देना है। उसके बाद क्या करना है? ऐड करके क्लोज कर देना है, ड्रैग एंड ड्रॉप डाउन में जाना है, टाइप अकॉर्डिंग योर कंडीशन, गिव कंडीशन में टेबल जो भी करना है। तो क्या करना है, इसको डबल क्लिक करके ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए, डबल क्लिक, ड्रैग एंड ड्रॉप। और यहीं पे एक ऑप्शन लिखा हुआ क्या है, तो ये बताइए हम किस पे काम करने जा रहे हैं? पास फेल पे ना। पास फेल क्या है? पास फेल क्या है? स्टेटस है ना, स्टेटस वाले सेक्शन में आ जाएंगे, क्राइटेरिया में आ जाएंगे और यहाँ लिख देंगे स्टेटस वाले सेक्शन में, क्राइटेरिया में, और क्या लिख देंगे? डबल काम हम क्या लिख देंगे? पास। डबल काम बंद कर देंगे और कहाँ क्लिक कर देंगे? मेक और टेबल क्वेरी। और उस टेबल का नाम पूछेगा जिसपे पास वाला डाटा ले जा रहा है, किस पे ले जाना है, किस पे ले जाना है?
पास वाले को, और क्या कर देंगे, ओके कर देंगे, और क्या करा देंगे, रन करा देंगे। कह रहा है एग्जिस्टिंग टैब यस, कह रहा है पांच रो अपडेट हुआ है पास वाला यस। ये बताइए जो ये पास वाला टेबल बनाया है तो खाली था कि भरा हुआ था? अच्छा अभी भी ऊपर करिए, देखिए अभी भी खाली है क्या? ठीक है, तो इसमें सिर्फ पास वालों का नाम आया, फेल वालों का भी आया? ठीक है, तो बंद कर दिए इस क्वेरी को, सेव कर दिए, सेव किए कर दिए मैक और टेबल टैग फॉर पास, इसी नाम से पढ़े ताकि बाद में जरूरत ना पड़े। आओ फेल वाला देखिए, फेल वाला भी खाली है ना, खाली है कि नहीं खाली है? बंद कर दे रहे हैं। आप लोग बताइए कहाँ जाना है, पहले क्रिएट में कहाँ जाना है, क्वेरी डिजाइन में कहाँ, कौन सा टेबल, सारी डाटा है फिल फिल कर रहे हो, पहले मेन डाटा लिया जाता है, ऐड करेंगे क्लोज कर देंगे, और तो क्या करेंगे डबल क्लिक ड्रैग एंड ड्रॉप। और पास फेल पे काम कर रहे हैं ना, किस सेक्शन में आएंगे, स्टेटस वाले सेक्शन में, स्टेटस के सेक्शन में किसमें, क्राइटेरिया वाले लाइन में। और डबल काम हम क्या लिख देंगे, पिछली बार पास लिखे थे, इस बार क्या लिखेंगे, फेल, और डबल काम बंद भी कर देंगे। और कहाँ क्लिक करेंगे, क्या पढ़ रहे हैं, मेक अ टेबल क्लिक कर दीजिए, किस पे टेबल बनाना है इसका, फेल फेल वाले पे, और क्या कर देंगे, ओके, और क्या करा देंगे लास्ट में, और क्या कर देंगे यस, और क्या कर देंगे यस, कह रहा हो गया। अब देखिए थोड़ा तो फेल वाला, छह लोग फेल वाले आए हैं, पांच ही लोग पास ही हुए, कल फेल वाला है, हाँ इसको क्या बोलेंगे, मैं का टेबल क्वेरी, क्या बोलेंगे, मैं का टेबल, और इसको सेव कर लीजिएगा, सेव वही मैं को टेबल फॉर सेव, बस यही करना था, कर लेंगे नहीं कर लेंगे। और टास्क दे रहा हूँ आपको, टास्क क्या रहेगा, एक टेबल बनाइएगा, एक टेबल बनाइएगा, और टेबल में व्यू कर लीजिएगा और यहाँ लिख लीजिएगा ऑर्डर ओ आर डी, ऑर्डर आई डी, और यहाँ लिख लीजिएगा नंबर, यहाँ लिख लीजिएगा कस्टमर नेम, ठीक है, शॉर्ट टेक्स्ट रहेगा, यहाँ ले लीजिएगा ऑर्डर, ऑर्डर नेम शॉर्ट टेक्स्ट रह लीजिएगा, ऑर्डर क्वांटिटी क्या रख दीजिएगा, और स्टेटस, ठीक है, यह शॉर्ट है, ये आपको टास्क दे रहा हूँ, ये टास्क करना है आपको, ये टास्क अभी नोट करिएगा, उससे पहले कि जो हम लोग जो जो किए हैं उसको नोट कर लीजिए, आपको यहाँ से क्रिएट अ डाटाबेस से नोट कर लीजिए, पहले लिख लिए ना, कर लेंगे ना आप लोग, चलिए टास्क में ये दिया गया, देखो ऑर्डर आई डी, ऑर्डर डेट, अरे यार डेट एंड टाइम तो लिए नहीं ना, ऑर्डर नेम, प्रोडक्ट नेम, वही ऑर्डर नेम मतलब प्रोडक्ट नेम लिख दीजिए, ऑर्डर नेम की जगह क्या लिख दिया जाएगा, प्रोडक्ट नेम और ऑर्डर क्वांटिटी, और एक और बता दिया जाए, इससे पहले, इससे पहले एक और रूप कर दिया जाए, या लिख दिया जाए ऑर्डर डेट, क्या लिख देंगे, ऑर्डर डेट, और यहाँ ले लेंगे डेट एंड टाइम, ले लीजिएगा, अब ठीक है, आज का व्यू चेंज कर लीजिए, अच्छा व्यू चेंज कर लीजिएगा, लिख लिए ना, अभी लिख रहे हैं ना, लिखिए हेडिंग को, आप वही से भी प्रोसेस करना है, इसको भी व्यू चेंज कर लीजिएगा आप लोग, मैं तरीका बस बता दे रहा हूँ। अब यहाँ क्या करिएगा, ऑर्डर डेट डालिए, ऑर्डर आईडी डालिएगा 101, कस्टमर का नाम, कौन सा प्रोडक्ट ऑर्डर करा, बर्गर पिज्जा जो भी, कितनी क्वांटिटी में,
ऑर्डर डेट कब का है, डेट यहाँ ले लीजिएगा जब का भी डेट होगा। और स्टेटस में क्या लिखेंगे, स्टेटस में क्या लिखेंगे, पेंडिंग ऑर्डर ये लिखना है, नहीं होगा कल हम समझाएंगे इसको। तो आप लोग को यही करना है, टास्क है आपका, एक काम तो करेंगे जो पढ़ाए हैं, इसके अलावा ये टास्क करेंगे, नहीं करेंगे कल टास्क ये बताना पड़ेगा मुझे भी। थैंक यू क्लास।